नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका साहिल फ्रीडीस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ VI का सिम और इसके रिचार्ज प्लान्स के बारे में आज मैं आपको बताऊंगा। VI क्या है ये भी मैं आप लोगों को इसी वीडियो में बताऊंगा। तथा दोस्तों भारत में एक नए नाम से एक नई सिम कंपनी आ चुकी है जिसका नाम है दोस्तों VI। दोस्तों VI अब देगी जियो को टक्कर। जी हाँ दोस्तों, जियो को दे सकती है टक्कर क्योंकि दोस्तों इसके रिचार्ज प्लान काफ़ी अट्रैक्टिव हैं। तो दोस्तों इसके रिचार्ज प्लान को भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। साथ ही साथ दोस्तों जियो को देगा ये टक्कर। जी हाँ दोस्तों, और इसका फर्स्ट लुक फर्स्ट इम्प्रेशन मैं आज आप लोगों को इस वीडियो में दिखाऊंगा। जी हाँ दोस्तों, VI का ये प्रीपेड सिम है। तो दोस्तों सबसे पहले हम आपको बताते चलें कि जियो का जो सिम है, जियो का सिम यानी कि ये जियो का सिम आप लोगों को जब से आया है तब से ये बहुत अच्छी सर्विस दे रहा है। बहुत ही अच्छे इसके रिचार्ज प्लान्स हैं और कहीं ना कहीं आप लोग भी इस सिम को यूज कर रहे होंगे। तो दोस्तों अगर आप इस सिम को यूज कर रहे हैं तो ज़रूर कॉमेंट सेक्शन में बताएँ अपनी मोबाइल कंपनी का नाम, यानी कि आप किस कंपनी के सिम को यूज करते हैं उस कंपनी का नाम जरूर बताएं। साथ ही साथ दोस्तों हमारे YouTube चैनल साहिल फ्रीडीस की तरफ से आप सभी लोगों के लिए एक जबरदस्त ऑफर है, जबरदस्त मैं गिव अवे कर रहा हूं दोस्तों। जी हां दोस्तों, 500 रुपए तक का पेटीएम कैश वहीं पे दोस्तों अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, लाइक करते हैं तो दोस्तों 500 रुपए तक का पेटीएम कैश आपको मिल सकता है। अगर दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं दोस्तों तो आपको मिल सकता है फुल HD सेटअप बॉक्स। तो दोस्तों आप देख सकते हैं हमारे पास आइडिया का भी सिम है। जी हाँ दोस्तों, वहीं पे दोस्तों हमारे पास एक बहुत ही पुरानी कंपनी जिसका नाम है दोस्तों Aircel, ये भी कंपनी का सिम हमारे पास अवेलेबल है दोस्तों और काफ़ी अच्छा ये सिम हमें लगा। दोस्तों ये जब आया था तो इसका जो डाटा रिचार्ज था वो समय था दोस्तों 17 रुपये का इसका डाटा का जो रिचार्ज था वो था दोस्तों। उसके बाद से दोस्तों इसने काफ़ी अपने रिचार्ज प्लान में गिरावट की, लेकिन दोस्तों जियो आने के बाद सारी कंपनियों का दोस्तों बैंड बज गया। तो दोस्तों यहां पे Aircel बंद हो गया, वहीं पे दोस्तों इसके जो नंबर्स थे वो टाटा डोकोमो में कुछ चले गए, कुछ एयरटेल में चले गए। तो दोस्तों इसे हम साइड में रखते हैं, ये कंपनी तो हमारे पास बंद हो चुकी है। वहीं पे दोस्तों आइडिया की बात करें, आइडिया भी दोस्तों हमारे पास बंद हो चुका है, यानी बंद नहीं हुआ है, ये भी चल रहा है, लेकिन अब ये दो कंपनियाँ वोडाफोन और आइडिया एक में मर्ज हो गई हैं जिसका नाम हो चुका है दोस्तों अब VI। यानी एक साल पहले दोनों मर्ज हुई लेकिन आइडिया और वोडाफोन सिम के नाम से ये चल रही थी, लेकिन दोस्तों ये अब नए पैकिंग में आ चुका है और ये कम से कम इंडिया में 50% जगहों पे तो अवेलेबल हो ही चुका होगा अभी तक। दोस्तों ये VI के नाम से ये सिम अवेलेबल हो चुका है, काफ़ी अच्छा VI का सिम है और VI की एक एप्लीकेशन भी आई हुई है दोस्तों। इस एप्लीकेशन के बारे में भी मैं आप लोगों को दो टूक इस वीडियो में बताऊँगा। तो दोस्तों सबसे पहले मैं इसको इस सिम को यहाँ से निकालता हूँ दोस्तों, और ये यहाँ पे मैंने जो उंगली रखी है इसलिए सिक्योरिटी रीजन से दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे कोई नंबर्स दिख ना जाए, कोई इसका यूज कर ना पाए। तो दोस्तों यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ये VI का सिम है। यहाँ पे दोस्तों आप लोग देख सकते हैं VI का सिम कितना अट्रैक्टिव, कितना बढ़िया आप लोगों को देखने को मिलता है दोस्तों। ये रहा VI का सिम, और VI का सिम दोस्तों कुछ इस प्रकार से होता है दोस्तों, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। अब दोस्तों बहुत सारे लोगों ने, इससे पहले मैंने वीडियोज को दिखाया था आप लोगों को, तो बहुत सारे लोग कह रहे हैं VI का सिम हमें भी चाहिए, मैं भी वोडाफोन आइडिया यूज कर रहा हूँ। तो दोस्तों बहुत ही जल्द आपका जो ऑपरेटर नेम है बहुत ही जल्द बदल चुका होगा या बदल जाएगा, वहाँ पर अब VI लिखा हुआ आएगा और VI का यानी वोडाफोन आइडिया का एक ही रिचार्ज होगा। पहले अलग अलग रिचार्ज हुआ करते थे जब से ये मर्ज हुए साल भर से, लेकिन बीच में मतलब साल भर में ही के अंदर जो रिचार्ज प्लान थे, आइडिया का कुछ और होता था, उसके बाद वोडाफोन का कुछ और होता था, तो लेकिन दोस्तों अब आपको एक ही मोबाइल एप्लीकेशन के थ्रू ये सारी जानकारियां आपको यहां पे देखने को मिलती हैं। तो दोस्तों अब बात करते हैं VI के रिचार्ज प्लान के। तो दोस्तों VI का रिचार्ज प्लान सबसे सस्ता दोस्तों इसका 39 रुपये का है, जो कि दोस्तों एक महीने की वैलिडिटी देता है और बाकी इनकमिंग कॉल की सुविधा आपको देता है। तो दोस्तों काफ़ी अच्छा है। वहीं पे दोस्तों आपके जो इसके प्लान्स हैं दोस्तों, इसके प्लान्स के बारे में भी मैं आप लोगों को बता दूँ, इसके प्लान्स भी बहुत ही अच्छे हैं। इसके प्लान्स आपको 399, 499 और उसके बाद से 599 के इसके प्लान हैं, जो कि दोस्तों अगर आप इनके प्लान्स को लेते हैं तो इसमें डबल डाटा ऑफर मिलता है, और डबल डाटा ऑफर में दोस्तों VI के सिम में आप लोगों को काफ़ी फ़ायदा होगा। अगर आपका 2 GB पर डे का प्लान है
तो आपको मिलेगा 4 GB। अगर आपका 1.5 GB 1.5 GB का प्लान है तो आपको मिलेगा 3 GB। तो यानी दोस्तों VI के सिम प्रीपेड सिम में काफ़ी अच्छा ऑफर मिल रहा है। लेकिन दोस्तों रिचार्ज कराने से पहले, किसी भी प्रकार के रिचार्ज कराने से पहले, आप अपने नज़दीकी दुकानदार से ज़रूर संपर्क करें कि उनके पास कौन सा ऑफ़र आपके सर्कल में, आपके प्रदेश में कौन सा ऑफ़र चल रहा है। तो VI का सिम अवेलेबल हो चुका है, आप इसे खरीद सकते हैं नज़दीकी दुकान से। बाकी दोस्तों ये वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। मैं मिलता हूँ दोस्तों किसी और नए वीडियो में।